हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लुकी सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। और आप सभी का स्वागत है। आज हम बच्चों यहां पर करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स 2022-23 का जो आपका त्रैमासिक परीक्षा का पेपर आया है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की तरफ से। इसको मैं इसका यहां पर पूरा सोल्यूशन करवा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो बड़ा होने पर हो सकता है एक क्वेश्चन हम कुछ पार्ट में करें, बट यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए तो आइए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। ब्राइटनेस आप लोग अपने अपने मोबाइल के बढ़ा लीजिए, मोबाइल लैपटॉप जिसमें भी आप देख रहे हैं इसका ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए तो आपको ये प्रॉपर दिखाई देगा। पहला क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है? तो देखिए ये है वेग और ये है समय, और आपको बताया गया है कि वेग और समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है। तो बहुत ही सरल सवाल आया है। वेग और समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो किसको दिखाता है? वो दिखाता है विस्थापन को। तो करेक्ट आंसर इसका विस्थापन। जिन्होंने लगाया है उनको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर है विस्थापन। चलिए अगला सवाल है। देखिए वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर कब होगा? तो बहुत ही सरल सवाल है। यहाँ पर देखिए वेग समय ग्राफ समय, ये समय अक्ष है और ये वेग अक्ष है। आप वेग अक्ष के समय अक्ष के समानांतर कब हो रहे हैं? तो आप देख रहे हैं कि वेग यहाँ पर नियत है। ओके, मतलब ये एक समान गति है। ये कैसी गति है? एक समान गति है। तो एक समान गति, इसका आंसर लगा दीजिए आप। तो इसका करेक्ट आंसर है एक समान गति ए। तो यहाँ पर आपको 1 मार्क्स मिल गए। अगला क्वेश्चन देखिए, वृत्ताकार गति में वेग और त्वरण के मध्य का कोण होता है? तो ये भी बहुत आसान सवाल है। वृत्ताकार गति जो होती है, किसी वृत्ताकार पथ में गति करता हुआ कण, उसका जो तात्क्षणिक वेग होता है वो स्पर्श रेखी या यू कैन से टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, स्पर्श रेखा में, और त्वरण हमेशा इसका जो है अंदर की तरफ कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए 90 डिग्री। 1 मार्क्स मिल जाएंगे आपको अगर आपने 90 लगाया है तो। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किसके प्रक्षेप कोण के जोड़ों के लिए क्षैतिज परास का मान समान होगा? तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल आया यहाँ पर कि पिस्क प्रक्षेप कोण के जोड़ों के लिए क्षैतिज परास का मान समान होगा। तो आपको पता था कि आर थीटा इज इक्वल टू आर 90 माइनस थीटा, मतलब इनको हम क्या कहते हैं? संपूरक कोण, है ना। तो इस तरीके से अगर यदि थीटा और 90 माइनस थीटा के पेयर है, मतलब दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। तो ये देखिए ये 90 नहीं दे रहा है तो ये नहीं होगा। ये 90 है क्या? हाँ जी ये 90 है, मतलब 50 60 और 30 90 हो रहा है। तो इसमें जो प्रक्षेप क्षैतिज परास होगी समान होगी। तो करेक्ट आंसर इसका है बी। ओके, तो यहाँ पर आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने ऑप्शन बी लगाया है। वेग में परिवर्तन की दर कितना? इजी क्वेश्चन है भाई, ये तो 9वीं क्लास का बच्चा भी बता लेगा कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। ओके, अगला सवाल, नाव पर किसी सवार व्यक्ति से कूदते समय प्रतिक्रिया बल लगता है? ओके, देखिए प्रतिक्रिया बल, क्रिया किस पर लगेगी? अगर कोई इंसान जो है नाव से कूद रहा है, ओके, तो क्रिया लगेगी किस पर? नाव पर। और नाव की जो प्रतिक्रिया लगेगी वो किस पर लगेगी? व्यक्ति पर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है व्यक्ति पर। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, समतल सड़क पर किसी कार की गति को एक समान बनाए रखने के लिए, समतल सड़क पर किसी कार की गति को एक समान बनाए रखने के लिए, देखिए गति एक समान गति है, और जब आप जानते हैं कि गति जब एक समान होती है तो उस पर कुल लगने वाला बल कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि बल अगर 0 रहेगा तभी गति एक समान बनी रहेगी। तो लगने वाला बल 0 होना चाहिए। तो बल लगने वाला 0 होगा मतलब कार की गति में दिशा में नेट बल आवश्यक है? बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। कार पर नेट बल 0 होना चाहिए। हाँ जी ये बात तो बिल्कुल सही है, कार पर नेट बल 0 होना चाहिए। कार के टायर और सड़क के घर्षण नगण्य होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर बी लग रहा है कि है ना, यहाँ पे कार पर नेट बल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देखिए आपको गति एक समान बनाए रखना, एक समान गति जब होगी तब होती है जब उस पर त्वरण क्या हो? 0 हो। त्वरण 0 होने पर आपको पता है V1 इक्वल टू V2, और त्वरण 0 मतलब बल 0 है। तो कौन सा बल है? कार्य पर लगने वाला नेट बल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये आपके हो गए ऑब्जेक्टिव, 7 ऑब्जेक्टिव थे यहाँ पे। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। नियत वेग से गतिशील वस्तु का, ऊपर ही बता दिया मैंने, नियत वेग से गतिशील वस्तु का क्या 0 होता है? त्वरण 0 होता है। ओके, वे राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वे कहलाती हैं सदिश राशियां। अधिकतम क्षैतिज परास प्राप्त करने के लिए, तो क्लास में बताया गया था बच्चों आप लोग को, 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। अगला, बल और समावेधि के गुणनफल को तो आप लोग जानते हैं कि संवेग जो होता है, संवेग नहीं बच्चों, आवेग, क्या होता है? आवेग। तो आवेग मैंने बताया था F बल यानी
और गुणे समयावधि यानी समयांतर के गुणनफल को क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं। तो ये भी हमारे चारों क्वेश्चन हो गए, वेरी ब्यूटीफुली। किसी पिंड पर लगने वाला नेट बाह्य बल शून्य है तो उसका त्वरण कितना होगा? अरे भाई जीरो होगा ना, क्योंकि एफ इक्वल टू कितना होता है एम ए, एफ बराबर जीरो है तो द्रव्यमान तो जीरो हो नहीं सकता, तो किसको जीरो होना पड़ेगा? ए को, तो ए को भी जीरो होना पड़ेगा, है ना। तो त्वरण कितना होगा? जीरो। रॉकेट नोडन किस पर आधारित है? भाई रॉकेट नोडन जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। ओके, न्यूटन का तृतीय नियम जो कहता है हर क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया होती है, तो ये तृतीय। घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक कार्य होता है, क्योंकि घर्षण के द्वारा जो कार्य होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक कार्य होता है, क्योंकि घर्षण बल आगे लगता है परंतु विस्थापन इधर होता है, हमेशा ये गति की विपरीत दिशा में लगता है, तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर 6 सेकंड में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाती है तो पुनः वापस हाथों तक आने में कितना समय लेगा? बहुत ही सिंपल है भाई, 6 सेकंड इधर तो 6 सेकंड इधर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर जाने का टी इक्वल टू यू बाई जी, और नीचे आने का भी हो जाता है यू बाई जी, तो टोटल टाइम हो जाता है 2u/g। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सेम 6 सेकंड। स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता क्या व्यक्त करती है? भाई प्रवणता का मतलब क्या होता है? स्थिति समय ग्राफ x अपॉन t विस्थापन बटे समय अंतराल, जिसको बोलते हैं अपन वेग। तो स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता क्या व्यक्त करती है? वेग। एकांक सदिश किसे कहते हैं? किसी दिशा में, किसी सदिश की दिशा में इकाई परिमाण का सदिश, किसी दिए गए सदिश की दिशा में इकाई परिमाण का सदिश, यदि सदिश ए है तो इसकी दिशा में इकाई परिमाण का सदिश क्या कहलाता है? एकांक सदिश कहलाता है, सदिश ए बटे मॉड ए, ये कहलाता है एकांक सदिश। दो सदिशों को बराबर कब कहा जाता है? भाई दो चीज़ें हैं, नंबर वन उनके परिमाण बराबर हों और उनकी दिशाएं भी बराबर हों, तो दोनों सदिश बराबर है। यदि गुरुत्व के अधीन गिरते हुए, अगला सवाल, गुरुत्व के अधीन गिरते हुए एम द्रव्यमान का एक पिंड पर नेट बल का मान होगा, आपको बताना है कि एम द्रव्यमान का पिंड है उस पर नेट बल का मान कितना होगा। देखिए जी, गुरुत्व के अधीन गिर रहा है पिंड तो उस पर क्या लग रहा है? एफ इक्वल टू एम इंटू ए। अब एक्सेलेरेशन इसमें कितना लगेगा? गुरुत्वीय त्वरण जी लगेगा, तो एम तो द्रव्यमान रहेगा, तो आंसर कितना होगा? इस पर कुल जो द्रव्यमान लगेगा, इसका जो कुल बल लगेगा वो कितना लगेगा? एम जी लगेगा, एम जी। सो एफ इक्वल टू एम इंटू जी। अगला, आवेग का एसआई मात्रक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, न्यूटन सेकंड, क्योंकि आवेग होता है बल गुणे समय, तो बल का होता है न्यूटन, टाइम का सेकंड, न्यूटन सेकंड। यदि कोई मशीन 10 सेकंड तक 10 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति, ओ हो कितना सरल क्वेश्चन है भाई ये, 10 जूल दिया है, वॉट। देखिए शक्ति का फॉर्मूला होता है पी बराबर डब्ल्यू बटे टी, कार्य बटे समय, तो कार्य भी दिया है 10 जूल और समय कितना दिया है 10 सेकंड, तो आंसर 10 से 10 कैंसिल, आंसर आया 1 वॉट, तो इसका आंसर है 1 वॉट। ओके, ये हो गए सारे आंसर। अब आइए देखते हैं पारसेक। देखिए पारसेक क्या होता है? पारसेक किसकी यूनिट है? ओके, पारसेक का मतलब होता है पैरालेक्टिक सेकंड होती है, बट पारसेक जो होती है वो चली गई दूरी हुआ करती है। ओके, चली गई दूरी हुआ करती है। चलिए, तो ऐसा सुनने में लगता है कि ये समय की इकाई है, बट ऐसा नहीं है। पारसेक जो है पैरालेक्टिक सेकंड समय की विमा होती है। तो सबसे बड़ी समय की विमा देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समय की विमा दी गई है ये पारसेक, ये देखिए 3.08 × 10⁸ मीटर। ओके, पैरालेक्टिक सेकंड 3 × 10⁶ मीटर, ये हो गया। आवर्तकाल की विमा बहुत ही सिंपल है, आवर्तकाल में टी की पावर 1 होना चाहिए। एक सेकंड, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। आवर्तकाल की विमा टी की पावर 1, ओके, आवर्तकाल m0 l0 t की पावर 1। तो आई थिंक ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, तो ये क्वेश्चन बोनस हो जाएगा, क्योंकि आवर्तकाल में जो विमा होती है वो टी की पावर 1 होती है। ओके, अगला, प्रकाश वर्ष की विमा। प्रकाश वर्ष क्या है भाई? प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी है, तो दूरी में केवल लंबाई होती है, तो प्रकाश वर्ष की विमा बी है। तो फिलहाल मैं ये ऑप्शन चेंज कर देता हूँ आपके लिए, ये होगा m0 l0 t की पावर 1। अब बाद में देखते हैं क्या होता है। नैनोमीटर, नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है, एक नैनोमीटर। आपेक्षिक घनत्व, इसकी कोई विमा होती ही नहीं है, मतलब m0 l0 t की पावर 0, ये देखिए। ओके, तो ये जो है m0 l0 t की पावर 0, ये गलत हुआ मुझसे, मैं इसको सही कर देता हूँ। यस, ये नहीं आएगा, हाँ ये बैठा हुआ है, ये देखिए अपेक्षिक घनत्व इसके सामने ही है, m0 l0 t की पावर 0। ये आवर्तकाल की विमा जो है यहाँ पे, ये नहीं है, इसको हटा दे मैं। ओके, तो इसका, क्योंकि ऑप्शन मैच हो चुका है ना,
तो इसको मैंने हटा दिया। ठीक, अब सही है। तो अपन को किसका नहीं मिला, केवल आवर्त काल का। खगोलीय मात्रक, भाई खगोलीय मतलब प्रकाश द्वारा एक सूर तक की दूरी है ना, प्रकाश द्वारा सूर्य तक की दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हो गया कितना अपने पास, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, मतलब सूर्य से दूरी जो होती है उसको खगोलीय मात्रक बोलते हैं। इंग्लिश में मुझे याद है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सो इट इज़ 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होता है। तो मैं लगभग इतना ही देख लो, 1.496 है ना, 1.5 ही हो जाएगा। कार्य का विमी सूत्र हर कोई जानता है, ML2T^-2, तो ये बैठा हुआ है। अब भैया केवल एक ऑप्शन बच गया है, ML01T^-1, तो ये जो है बाई मिस्टेक T^-1 है, यहाँ पे T^+1 होना था। तो जितने लोगों ने इसका T^-1 लगाया है, मजबूरी में इसको भी अपन को सही करना पड़ेगा, मगर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है M0L0T^1, क्योंकि ये आवृत्ति की विमा होती है, आवर्तकाल की नहीं। चलिए भैया अगला सवाल देखते हैं, मूल राशियाँ किन्हें कहते हैं। ओके, तो मूल राशियाँ ऐसी राशियाँ जिन्हें उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उनको मूल राशि कहते हैं। और 7 मूल राशियाँ होती हैं, वेरी सिंपल, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। SI में आपकी मूल राशियाँ बताई थी मैंने, लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, पदार्थ की मात्रा। इसका आ रहा है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में कोई दो अंतर। भाई मूल मात्रक कभी किसी से उत्पन्न नहीं होते हैं, व्युत्पन्न को दूसरों से उत्पन्न किया जाता है, ये आप बता सकते थे ना। अगला, विमी विश्लेषण की सीमाएं बताइए। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था, विमी विश्लेषण के 3-4 मैंने सीमाएं बताई थी कि इसका उपयोग जो होता है से दो विमी विश्लेषण की सीमाएं। ओके, सीमाएं में ये था कि 4-3 से ज़्यादा संबंधों के लिए इसका उपयोग आप नहीं कर सकते हो, इससे आप कॉन्स्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो है ना, और इससे सरल क्वेश्चन है ये विमी विश्लेषण के उपयोग। तो मैंने क्या बताया था, इसका उपयोग क्या होता है, इकाई निकालने के लिए है ना, इकाई ज्ञात करने के लिए होता है। दूसरा, इसका उपयोग जो होता है वो क्या होता है कि एक संबंध बिठाने के लिए, कि भैया संबंध ये होता है। इसके बाद इसका उपयोग क्या होता है, इसके बाद इसका उपयोग होता है नया नया सूत्र बनाने के लिए, फिजिक्स का नया फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक ना। और हाँ, एक और है मैंने बताया था, निर्भरता ज्ञात करने के लिए कि विभिन्न भौतिक राशियों की मूल राशियों पर निर्भरता कितनी है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लिफ्ट 8वीं मंजिल से नीचे की ओर आ रही है और 4थी मंजिल पर पहुंचने वाली है, यदि सभी राशियों के लिए भूतल को मूल बिंदु और ऊपर की दिशा धनात्मक लें तो विस्थापन, वेग, त्वरण का चिन्ह क्या होगा। बहुत सरल क्वेश्चन भाई, ऊपर से नीचे आ रही तो विस्थापन ऋणात्मक होगा, ऊपर से नीचे आ रही तो वेग भी ऋणात्मक होगा, त्वरण जो है वो क्या होगा भाई साहब, त्वरण नीचे की तरफ आ रही ना, तो त्वरण भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगर ऊपर की दिशा को धनात्मक ले, हाँ ऊपर की दिशा धनात्मक है तो नीचे की ऋणात्मक, मतलब ये भी ऋणात्मक होगा। समय का तो चिन्ह हमेशा धनात्मक ही होता है, क्योंकि समय आगे बढ़ेगा तो समय जो होगा ये क्या होगा, धनात्मक होगा, समयांतर। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, एक समान गति से आती हुई क्रिकेट गेंद को बल्ला मारकर वापस लौटा दिया गया है, गेंद अति अल्पकाल के लिए बल्ले के संपर्क में थी है ना, और क्या कह रहा है कि समय के साथ गेंद के वेग में होने वाले परिवर्तन को आरेख द्वारा दिखाइए। तो इसमें आपको गेंद का समय के साथ आरेख दिखाना है कि गेंद के साथ परिवर्तन, समय के साथ गेंद के वेग में परिवर्तन कैसे हुआ है। तो एक समान गति से एक गेंद आ रही थी, कौन सा ग्राफ बनाना है इसमें हम लोग को, समय के साथ मतलब हमको वेग समय ग्राफ बनाना है। ओके, हमें वेग समय ग्राफ बनाना है। तो शुरुआत में वेग एक समान था और यहाँ पर गेंद आती है, टकराती है, ओके, और जो वेग है गेंद का, वेग जो होता है वो तत्काल समय के लिए ऋणात्मक दिशा में हो जाता है, ओके, उल्टे डायरेक्शन में आ जाएगा एकदम से वेग जो है इस तरीके से। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाना चाहिए, ओके, ये है वेग में होने वाला परिवर्तन। यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शुरुआत में जो वेग था अगर v था तो बाद वाला वेग माइनस v हो गया, मतलब उसी वेग से गेंद को फेंक दिया गया है। अगला, सदिश के योग संबंधी त्रिभुज का नियम बताया गया था आपको क्लास में कि दो सदिशों का योग जो होता है, अगर दो लगातार सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यक्त करते हैं तो जो तीसरा भुजा होती है वो उनके योग को दिखलाती है। अगला, सदिश का वियोजन मैंने सिखाया आपको, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा की फॉर्म में, याद होगा आपको ये सदिश आर था, इसका मैंने आपको वियोजन भी दिखाया। अगला क्वेश्चन, 15 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित क्षैतिज परास 50 है, अगर इसे 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो इसका क्षैतिज परास कितना होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी।
तो देखिए एक बन जाएगा R1, एक बन जाएगा R2, तो इसको R1 ले लीजिए, ओके, और दूसरा R2 ले लीजिए। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, दोनों को भाग दे दीजिए, जी से जी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। पहले वाले केस में आपको कितना है भाई साहब, परास परास 50 है, तो और उस समय कोण 15 है, ओके। तो यहाँ पे एक काम करिए, आप परास 50 रख दीजिए और कोण 15 रख दीजिए, तो R1 की जगह 50 है और कोण है 15, यानी साइन 2 थीटा, यानी 2 × 15, यानी साइन 30, साइन 30 का मान 1/2। R2 नया परास आपको पता करना है, कोण आपने कर दिया 45, तो साइन 2 × 45 यानी साइन 90, साइन 90 का मान हो गया 1, तो आंसर करेक्ट आंसर R2 बराबर आएगा 100 मीटर। तो इसका आंसर है 100 मीटर, करेक्ट आंसर है 100 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कोई कीड़ा एक वृत्तीय खांचे में जिसका त्रिज्या 12 है फंस गया है, वह खांचे के अनुदिश स्थिर चाल में चलता है और 100 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, कीड़े की कोणीय चाल पता करिए। भैया कोणीय चाल ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/T, हाँ जी, 100 सेकंड में 4 चक्कर, और अब देखिए इसको 2π/T को मैं लिख सकता हूँ 2π f, ओके 2π f फ्रिक्वेंसी। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, कीड़े की कोणीय चाल हमको निकालनी है, ठीक है ना, कीड़े की कोणीय चाल हमको निकालनी है। त्रिज्या 12 मीटर है, फंस गया है, तो भैया ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक सेकंड में चले गए चक्रों की संख्या। तो देखिए फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ निकालनी है कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ। देखिए 100 सेकंड में 7 चक्कर लगा रहा है, ओके, तो एक सेकंड में 7/100 चक्कर, मतलब जो इसकी आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी है वो 7/100 है, तो 2π × 7/100। अब आप इसको हल कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल, 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल था। F इक्वल टू ma, अगर 1 किलोग्राम की बॉडी को 1 m/s² का त्वरण दे दिया जाए तो इस पर लगने वाला बल क्या होता है, 1 न्यूटन होता है। न्यूटन का गति संबंधी प्रथम नियम बताया था मैंने, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगला प्रश्न क्रमांक 11, लंबी कूद में खिलाड़ी कुछ दूर से दौड़ करके आता ताकि वे अधिक दूरी, यह गति के किस नियम से, प्रथम नियम से संबंधित है भाई, क्योंकि गति का प्रथम नियम ये कहता है कि अगर वस्तु कोई गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में रहेगी, तो ये कौन सा जड़त्व लग रहा है यहाँ पर, यहाँ पर गति का जड़त्व लग रहा है, ओके, और ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम से संबंधित है। रोलर लॉन मूवर को धकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है, तो ये भी मैंने बताया था कि इसको धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान क्यों होता है, ओके, इसमें फ्रिक्शन का यानी घर्षण का कंसेप्ट लगता है और ये आपको बताया जा चुका है। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय मैंने बताई थी आपको, 3 बिंदुओं पर मैं ऊर्जा निकालता हूँ, पहले निचले बिंदु पर, फिर बीच वाले बिंदु पर, फिर ऊपर बिंदु पर, तीनों बिंदुओं पर जो ऊर्जा आई थी कुल ऊर्जा उसका मान हमेशा सेम रहता है और वो mgh के बराबर होता है, तो ये थी कार्य ऊर्जा प्रमेय। सदिश के अदिश गुणा के कोई 2 गुण लिखो भाई, सदिश का अदिश गुणन मतलब a डॉट b के गुण लिखो, तो नंबर 1 ये एक अदिश राशि होती है और दूसरा इसमें क्रम विन्मय होता है कि a डॉट b करो या b डॉट a करो, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। विमीय विश्लेषण से जांच करनी है भाई साहब, t इक्वल टू 2π L/g, तो एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, t इक्वल टू 2π√L/g, तो ये फार्मूला सत्य होता है बट ये लिखा है, तो ये आप इसकी जांच करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, फाइनली ये अशुद्ध मिलेगा, मतलब विमीय रूप से क्या रहेगा, ये अशुद्ध रहेगा, सही नहीं रहेगा। अगला, विमीय विश्लेषण द्वारा v² = u² + 2s की शुद्धता की जांच कीजिए, तो ये आपको क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, इसकी विमा निकाली, इसकी विमा निकाली, इसकी विमा निकाली, और तीनों विमाएं जो हैं हर बार समान आती हैं, तो ये हो गया। अगला है, इन SI मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए, तो वेग का SI मात्रक होता है m/s और विमीय सूत्र होता है L/(t−1), बल का मैंने बताया था m(L)(t−2) और दाब का होता है बल बटे क्षेत्रफल, प्रेशर बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का आप जानते हैं m(L)(t−2) और क्षेत्रफल होता है L², तो फाइनली ये बन जाएगा m(L)−1 t−2, ये हो गया। चलिए अगला, SI पद्धति में सभी मूल राशियां इनके मात्रक और संकेत लिखिए, ओ हो कितना आसान क्वेश्चन दे दिया, बताइए ये तो बुक का चार्ट दे दिया है, सारी मूल राशियां हैं
ओके, उनके मात्रक लिखने हैं और उनके क्या लिखने हैं, संकेत लिखने हैं। तो ये तो बुक का ही क्वेश्चन दे दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वह समय ज्ञात कीजिए जब वह केवल एक्स अक्ष के अनुदिश होगा। ओके, एफ दिया गया है और टी इक्वल टू जीरो पर पिंड का वेग इतना है, तो वह समय ज्ञात कीजिए जब इसका वेग केवल एक्स अक्ष के अनुदिश होगा। 5 किलोग्राम के द्रव्यमान के पिंड पर कोई बल 3i कैप + 4j कैप न्यूटन कार्य कर रहा है, यदि समय टी इक्वल टू जीरो पर वेग इतना है। ओके, तो वह समय ज्ञात कीजिए जब इसका वेग केवल एक्स अक्ष के अनुदिश होगा। मतलब आपको जो है वो समय निकालना है कि जिसमें इसका वेग एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, मतलब वाई अक्ष के अनुदिश वेग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो वाई अक्ष के अनुदिश आपका वेग जो है उसको क्या करना है, जीरो करना है। चलिए इसको लास्ट में कराऊंगा मैं, अभी इसको होल्ड करिए। देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 10 किलोग्राम की वस्तु पर 20 न्यूटन का बल 2.5 सेकंड तक लगाया जाता तो आवेग, बहुत ही सिंपल, आवेग बराबर होता है भाई साहब कितना, बल गुणे समय। ओके, तो बल दिया है और समय कितना दिया, 2.5। संवेग में परिवर्तन आवेग के ही बराबर होता है, तो जो आवेग आया है वही संवेग में परिवर्तन आएगा, क्योंकि मैंने बताया था संवेग में परिवर्तन बराबर आवेग। उत्पन्न त्वरण तो बहुत ही सिंपल है भाई साहब, बल आपके पास है और आपके पास बल भी है, द्रव्यमान भी है, सॉरी बेटा यहाँ पे 10 आएगा क्योंकि बल गुणे समय ना, हाँ तो 20 ही तो आएगा। ओके, बल गुणे समय, हाँ ये है त्वरण, त्वरण एफ बराबर होता है एम ए, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ अपॉन एम। तो एफ की वैल्यू कितनी है भाई साहब, एफ की वैल्यू आपको दी गई यहाँ पे 20 न्यूटन और द्रव्यमान आपको दिया गया 10, तो 2 का भाग दे दी तो आंसर कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। सूत्र शक्ति के लिए डिराइव करना है, पी इक्वल टू एफ इंटू वी, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, देखिए कैसे डिराइव होगा, हम लोग जानते हैं पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ओके, पी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन टी, और हमारे पास पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी लेकर के आना है। ओके, और आप जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी, तो W इक्वल टू हो जाएगा F इंटू एस अपॉन टी। ये देखिए ये क्या आ गया, विस्थापन बटे समय, और विस्थापन बटे समय को हम वेग कहते हैं, तो ये हमारे पास व्युत्पन्न हो गया, P इक्वल्स टू F इंटू वी। अगला सवाल, यदि F इक्वल टू इतना दिया है, विस्थापन इतना दिया है, तो कार्य की गणना करना है, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो भाई साहब दोनों का गुणा कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। प्रक्षेप गति में किस कोण पर क्षैतिज ऊंचाई परास की ऊंचाई के बराबर होती है, तो R इक्वल टू H किस समय हुआ करता है, तो जहाँ पर आपको R की वैल्यू H की वैल्यू को इक्वल रख करके आपको कोण निकालना था। ओके, ये आपको निकालना था। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु से थीटा कोण पर फेंके गए प्रक्षेप कोण के लिए प्रक्षेप कोण का मान थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4h/r होता है। ओके, टेन इनवर्स 4h/r होता है। चलिए तो ये आपको ये कैसे करना था, आप जानते हैं मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था, रतन चोर है, r टेन थीटा इक्वल टू 4h। ओके, यहाँ से ये सॉल्व करना था, तो टेन थीटा इक्वल टू 4h/r, तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4h/r, इस तरीके से आपको हल करके लेके आना था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत सरल पेपर आया हुआ है भाई। एक समान गति में वी टी ग्राफ खींच करके गति का समीकरण प्राप्त कीजिए, भाई साहब कौन सा समीकरण प्राप्त करना है, गति का समीकरण मतलब कि तीनों समीकरण यहाँ पर आपको प्राप्त करने हैं, और तीनों समीकरण आपको मैंने क्लास में बताए थे कि वी टी ग्राफ खींच करके किस तरीके से तीन समीकरण जो होते हैं, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। अगला क्वेश्चन है, गतिमान वस्तु के लिए अवरोधन दूरी क्या कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रारंभिक वेग को दुगना करने पर उसी मंदन के लिए अवरोधन दूरी का मान 4 गुना हो जाता है। तो अवरोधन दूरी का मान मतलब होता है कि किसी वस्तु को रोकने के लिए इस्तेमाल की गई दूरी। ओके ना, अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसको रोकने के लिए जो दूरी होती है उसको अवरोधन दूरी कहते हैं। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको ऐसे समझो कि आप जानते हो फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब भाई साहब आपने जो त्वरण लगाया है फाइनल अंतिम वेग कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आप उसको रोक रहे हो और त्वरण जो होगा माइनस में लगेगा, तो 0 = u² - 2as, तो ये माइनस टू ए एस यहाँ ले आओ तो प्लस टू एस बन जाएगा, 2as = u² ओके, तो s बराबर हो जाएगा कितना, u² / 2a, तो ये कहलाती है अवरोधन दूरी।
है ना, अवरोधन। तो ये अवरोधन दूरी, अगर आप कह रहे हैं प्रारंभिक वेग को दोगुना कर दिया जाए तो सही बात है भाई, u को अगर आप दोगुना करोगे तो 2u हो जाएगा, और 2u का स्क्वायर क्या बन के निकलेगा, 4u स्क्वायर बन के निकलेगा। मतलब अगर आप जो चीज़ दोगुनी कर रहे हो वो आपके लिए चार गुनी हो रही है। बहुत ही सिंपल सवाल है। अगला क्वेश्चन भाई साहब, क्लास का क्वेश्चन कराया हुआ, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, पृथ्वी सतह से 36 फुट फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल पढ़ा रखा है, अधिकतम ऊंचाई पढ़ा रखा है, 36 परास पढ़ा रखी है, ये सब के लिए सूत्र स्थापित करो, ये सब मैंने बता रखा है। वृत्ति गति किसे कहते हैं, एक समान वृत्ति गति के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात कीजिए। तो वृत्ति गति भी मैंने बताई थी और अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला भी मैंने कराया था आपको, ए सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर का फॉर्मूला, अभिकेंद्रीय त्वरण, सॉरी एम नहीं आता है, वी स्क्वायर अपॉन आर, जो त्वरण होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, त्रिभुजों का उपयोग करके ये फॉर्मूला हुआ करता है। तो ऊपर वाला ज़्यादा सरल है, ऊपर वाला ज़्यादा बच्चे करके आए होंगे। चलिए तो ये था इस तरीके से क्लास 11वीं का पूरा सोल्यूशन पेपर का, जो कि बहुत ही सरल आया है, बहुत ही आराम से ये पेपर बनने वाला आया है, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए, मैंने सारे यहाँ पे करा दिए हैं, ठीक है ना। तो इसमें हाँ ये सब कुछ हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा कुछ हो गया। ओके एक बार चला देख लें, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता क्या दिखाती है, तो इसका उत्तर था वेग। ओके अधिकतम ऊंचाई में आने में लगा हुआ समय कितना लगेगा, आंसर इसका है 6 सेकंड, ठीक है ना। एकांक सदिश किसे कहते हैं भाई, किसी दिशा में सदिश की दिशा में इकाई परिमाण के सदिश को एकांक सदिश बोलते हैं, सदिश ए अपॉन मोड़े। दो सदिशों को बराबर कब कहा जा सकता है, जब उनके परिमाण भी बराबर हो दिशाएं भी बराबर हों। नेट बल का मान कितना होगा, एफ इक्वल टू एम जी, ये होगा। आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकंड बता दिया हूँ मैं, है ना, एफआई फार्मूला। 10 सेकंड के लिए तो इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर आया था 1 वॉट। कितना आया था जी इसका आंसर, 1 वॉट। चलिए तो खैर ये सब कुछ हुआ फिनिश हमारा कार्यक्रम, और आप लोग को कैसा लगा हमारा सोल्यूशन, बहुत फास्ट कराया है, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना पेपर ईजी आया है तो इसमें समय देने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। आप लोग बताइएगा कि आपको ये पेपर कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए, आप सभी का आने वाला समय बेहद शुभ हो, आनंदमय हो। बहुत बहुत नमस्कार।